क्या आपको पता है एवेंजर्स एंडगेम का फाइनल बैटल सेट बनाने के लिए कितने आर्टिस्ट लगे थे? और क्या आपको पता है दुनिया में ब्लैक कलर का राइस भी पाया जाता है? जी हाँ, तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। नंबर वन, दुनिया में आपने बहुत से अजीब जानवर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी चार आंखों वाला जानवर देखा है? नहीं ना, अफ्रीका के साउथ सूडान में चार आंखों वाला ये जानवर पाया गया है, जो कि दिखने में सच में काफी खूबसूरत है। नंबर टू, ये ग्लोब जो आप देख रहे हो वो असल में एक फ्लैट पार्क है, जिसे ग्लोब की तरह डिजाइन किया गया है। इसे लोग ग्रास ग्लोब इल्यूजन भी कहते हैं, है ना अद्भुत। नंबर थ्री, फैशन इंडस्ट्री में लेदर के कपड़े पहनना बहुत ट्रेंडिंग में है, और जिसके लिए कितने जानवरों को मारा जाता है। पर क्या आपको पता है मेक्सिको के दो फ्रेंड्स ने कैक्टस से लेदर बनाया है, जिसे वीगन लेदर भी कहते हैं। उनके इस एक्सपेरिमेंट से 1 बिलियन से भी ज्यादा जानवर मारे जाने से बच जाएंगे। ये सच में एक इनक्रेडिबल खोज है। नंबर फोर, चार्ली चैपलिन को तो आज सब जानते ही हैं, पर क्या आपको पता है 1992 में रिलीज हुए चैपलिन ये बायोपिक में उनकी मदर ने ही उनकी बेटी का रोल किया था। नंबर फाइव, एवेंजर्स एंडगेम का फाइनल बैटलफील्ड, जो कि पूरे मूवी का सबसे मेमोरेबल मोमेंट था, वो सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए 1400 विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट लगे थे, जिनकी वजह से हमें ये वंस इन अ लाइफटाइम वाला एक्सपीरियंस मिल सका, जिसे कोई मार्वल फैन कभी नहीं भूलेगा। नंबर सिक्स, 2003 में दो आदमियों ने लुआंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्क की हुई बोइंग 727, जो कि एक कमर्शियल एयरप्लेन है, उसे चुराया था, और आज तक उनका कोई पता नहीं लग पाया है। नंबर सेवन, क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला पुलिस फोर्स 12 बेस्ट बिहेव्ड क्रिमिनल से बनाया गया था? साउंड स्ट्रेंज ना, पर यह सच है। नंबर एट, लीनिंग टावर ऑफ पिसा तो सबको पता ही है, उससे जुड़ा एक फैक्ट मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लीनिंग टावर ऑफ पिसा का दूसरा फैक्ट ये है कि ये टावर जिस सॉइल में बनाया गया है उसे सॉफ्ट सॉइल कहते हैं, और इस सॉफ्ट सॉइल ने लीनिंग टावर ऑफ पिसा को करीब 4 पावरफुल अर्थक्वेक से बचाया है। नंबर 9, 2015 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी US प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए थे, तब उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा सूट पहना था। देख के तो ये बिल्कुल महंगा नहीं लग रहा, लेकिन अब आप ये सुनकर शॉक हो जाएंगे कि ऑक्शन के वक्त ये सूट 4.31 करोड़ में बेचा गया था। नंबर 10, ये जो आप ब्लैक राइस देख रहे हो इसे फॉरबिडन राइस भी कहते हैं, और ये ब्लैक राइस दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस और हाईली रिच एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। नंबर 11, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी की शुरुआत दो दोस्तों ने सिर्फ $100 के इन्वेस्टमेंट से की थी? तो अगर आप कोई स्टार्टअप चालू करने का सोच रहे हो तो पैसे ना होने की वजह से नाराज मत होना। नंबर 12, ऑडी का लोगो तो आज सबको पता है, पर क्या आप इस लोगो का मतलब जानते हो? नहीं, ऑडी के लोगो में ये जो चार रिंग्स हैं, वो एक्चुअली चार कंपनीज के ऑटो यूनियन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनका नाम है ऑडी, DKW, वॉन्डर और हॉर्श। नंबर 13, इंडियन ज्वेलर कोटि श्रीकांत, जो कि हैदराबाद के एक डायमंड स्टोर के ओनर है, उन्होंने एक ऐसी रिंग बनाई है जिसमें 7801 डायमंड्स लगवाए गए हैं, और दिखने में ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, और जिसके लिए रिसेंटली उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया गया था। नंबर 14, क्या आप जानते हैं इंडियन एयरलाइंस में हमेशा फीमेल एयर होस्टेस ही क्यों हायर करते हैं? सोचो, क्योंकि उनका वेट कंपैरेटिवली कम होता है, जिसके कारण वो पर ईयर $5 लाख का फ्यूल सेव करते हैं। नंबर 15, कैप्टन अमेरिका का रोल निभाने वाले क्रिस इवेंस को तो आज कौन नहीं जानता, पर क्या आपको पता है क्रिस इवेंस ने कैप्टन अमेरिका का रोल करने के लिए 2 से 3 बार रिजेक्ट किया था, लेकिन बाद में उनके फैमिली, फ्रेंड्स और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बहुत समझाने के बाद क्रिस इवेंस कैप्टन अमेरिका का रोल करने के लिए रेडी हो गए थे, और ये कैरेक्टर आज कितना फेमस हो चुका है ये तो आप सब जानते ही हैं। नंबर 16, कनाडा के पोर्ट रेनफ्रू पर एक बीच है, जहां ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल ब्लू कलर के टाइड पूल्स हैं, और ये नजदीक से देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। नंबर 17, ये जो कीड़ा आप देख रहे हो इसका नाम है जायंट चाइनीज डॉब्सन फ्लाई, और ये फ्लाई दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्वाटिक इंसेक्ट है। इतना ही नहीं, ये फ्लाई ड्रैगन फ्लाई से भी बहुत ज्यादा पुराना है। नंबर 18,
विंडोज तो आज सब जानते ही हैं, पर क्या आपको पता है विंडोज का ओरिजिनल नाम इंटरफेस मैनेजर था। नंबर 1949 में जापानीज लोगों ने एक इलेक्ट्रिकल कार डेवलप की थी जो कि सिंगल चार्ज पर 200 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती थी, है ना अमेजिंग। नंबर 20, ये जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हो ये नागपुर का डायमंड क्रॉसिंग रेलवे नेटवर्क है, जहां नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ कनेक्ट होते हैं, और इस पॉइंट को लेवल जंक्शन भी कहा जाता है। नंबर 21, क्या आपको कभी टीवी शो देखने के बाद किसी कैरेक्टर के कपड़े पसंद आते हैं और आप उसे खरीदना भी चाहते हो? होता है ना, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। गूगल पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है wonontv.net, जहां आपको एग्जैक्ट क्लोथ्स मिल जाते हैं और उन्हें कहां से खरीदना है वो भी इस वेबसाइट पर बताया जाता है, ट्राई जरूर करना। नंबर 22, जैसे कि हम सब जानते हैं सारे स्मार्टफोन्स पर डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल है, पर क्या आप ये जानते हो कि आईफोन और आईपैड्स पर डिफॉल्ट सर्च इंजन होने के लिए गूगल एप्पल कंपनी को पर ईयर $10 बिलियन पे करते हैं। नंबर 23, क्या आप जानते हो आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए 35 लीटर पानी यूज होता है? जी हाँ, सुनकर स्ट्रेंज लग रहा होगा पर ये सच है। नंबर 24, ये चीज जो आप देख रहे हो वो एक्चुअली एक सोप है जो कि गोल्ड और डायमंड पाउडर से बनाया गया है, और इस सोप की कॉस्ट $2,800 है, जिसके चलते ये सोप दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सोप माना जाता है। नंबर 25, हमारे घर में जो गैस यूज होती है वो नेचुरली ओडरलेस होती है, लेकिन इस गैस में स्मेल ऐड कर दिया गया है ताकि अगर कोई लीकेज हो तो लोगों को स्मेल से पता चल सके। अब हम बात करेंगे ऐसे फैक्ट्स की जो कि इस वीक में हुए थे। 30 अक्टूबर 1919 को डॉक्टर होमी भाभा, जो कि फेमस इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, उनका जन्म हुआ था। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमेशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे इस वीक के अपडेट्स के बारे में। नंबर 1, पबजी ने रिसेंटली ये अनाउंस कर दिया है कि वो इंडिया के सर्वर्स को परमानेंटली ऑफ करने वाले है, यानी कि अब इंडिया से पबजी शायद हमेशा के लिए चला जाएगा। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है ये कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 2, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने व्हाइट हैट जूनियर को अपने 5 एडवर्टाइजमेंट्स को पुल डाउन करने के लिए कहा है, क्योंकि वो एड्स लोगों को मिसलीड कर रही है, और इसी के साथ व्हाइट हैट जूनियर की 7 एड्स पे अभी तक 15 कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड हुए हैं। नंबर 3, टाटा ग्रुप ने ये अनाउंस किया है कि वो 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जहां वो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एप्पल कंपनी के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करेगा। नंबर 4, कोका कोला कंपनी ने रिसेंटली उनके फर्स्ट पेपर बॉटल का प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस किया है। ये बॉटल 100% पेपर से बना होगा, और उनका ये मोटिव है कि वो वर्ल्ड को इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। नंबर 5, बर्गर किंग इंडिया ने अपना खुद का IPO फाइल किया है, जहां वो 540 करोड़ रेज करना चाहते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 वो अपने रेस्टोरेंट्स को 700 तक बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल बर्गर किंग के टोटल 271 आउटलेट्स हैं। आपको क्या लगता है, हमें इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? आपको ये फैक्ट्स और अपडेट्स कैसे लगे ये कमेंट्स में जरूर बताना, और अगला वीडियो हम कुछ खास टॉपिक पर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। टिल देन, बाय बाय।